ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब.इन। आज 12 मई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:29 हो रहा है, दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में जो शुरू में जो बढ़त निफ्टी इंडेक्स ने बनाई थी, वो जैसे ही मार्केट खत्म हो रहा था उसने पूरी की पूरी बढ़त गंवा दी और लाल निशान में बंद हुआ। कोरोना वायरस का अगर इफेक्ट देखे तो अभी भी यहाँ पर कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। अभी डे बाय डे इंडिया में भी देखे तो पेशेंट्स काफी बढ़ रहे हैं। दुनिया भर का आंकड़ा देखे तो डेथ का रेशियो है वो अभी लगभग 3 लाख के करीब पहुंचने वाला है। सो 2 लाख से 3 लाख काफी जल्द ये इसने अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन की खबरें आ रही थी, जो भी न्यूज चैनल्स इसे दिखा रहे, वो एक तो इनके पीछे इनका व्यूअर्स बढ़ाने का एक मकसद होता है, और उसके बाद टीआरपी लाने के लिए ये ऐसी न्यूज चलाते हैं। हालांकि डेवलपमेंट काफी चल रही है, लेकिन बार बार वो न्यूज दिखाना इसमें काफी इम्पोर्टेंट देना उसको, क्योंकि वैक्सीन कभी आ रहा है ये काफी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो इनके वजह से ये जो न्यूज चैनल है इनका टीआरपी, इनका व्यूवर्स बढ़ जाते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटी इसके बारे में कुछ बात नहीं करती, तब तक इसके बारे में कंफर्म नहीं हो सकते। WHO या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी से इसके बारे में बयान आना बहुत जरूरी है। अगर संडे का बयान देखे हेल्थ मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वायरस के साथ हमें जीना सीखना होगा। जब तक इसके बारे में वैक्सीन नहीं आ जाता मार्केट में, तब तक इसके साथ हमें जीना सीखना होगा। तो अभी जैसे कि कल मीटिंग हुआ, पीएम ने सभी सीएम्स के साथ मीटिंग किया, तो कौन से बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं इसके ऊपर भी हालांकि चर्चा हुई होगी। तो यहाँ पर आने वाले समय में देखना होगा कि कौन से बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट होंगे और जो फायदे में होंगे, ऐसे शेयर्स को चुनना यहाँ पर काफी जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकता है। सही वक्त पे सही डिसीजन जो ले सकता है वही फ्यूचर में इसके अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। तो इस समय कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है, लॉकडाउन हटाने के पीछे है सरकार अभी, लेकिन डे बाय डे पेशेंट्स बढ़ रहे, तो किस बिजनेस को किस इंडस्ट्री को परमिशन मिलती है ये देखने लायक होगा। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 11 मई आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9347 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9000222। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स जस्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ। एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट लेवल का इसने सपोर्ट टेस्ट किया यहाँ पर, और यहाँ से ये जबरदस्त टूवर्ड्स ये नॉर्थ साइड की तरफ मूव हुआ। तभी हमारा सेकेंड टारगेट फर्स्ट टारगेट दोनों भी अचीव हुए, और ऊपर पिवट पॉइंट के R2 के लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ आया। तो जैसे ही फिर से एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास इसने ये देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट इस लेवल को पेनेट्रेट किया, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा था। तो काफी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुए, और नीचे आने के बाद जो ब्रेकडाउन लेवल भी था 9000222, एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने ये सपोर्ट टेस्ट किया। तो लेवल्स तो काफी कल एक्यूरेट साबित हुए। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 19,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात भी देख लेते। कल अमेरिकी बाजार नासडैक करीब 71 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपियन मार्केट्स में देखे तो वहां पर थोड़ी कमजोरी दिखाई दी, और एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी 65 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और लगभग सभी एशियाई बाजारों में इस समय लाल निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी 196 पॉइंट की गिरावट इस समय दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस वीक में फिर से एक बार कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है।
चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर रिकवरी देख रहे हो, तो इसका बॉटम और टॉप पकड़ के अभी ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर अभी लास्ट वीक इसके ये जो 23.6% का लेवल है, इसके जस्ट नीचे ये क्लोज हुआ था, और अभी फर्स्ट डे कल कल का ये वीक का कल का फर्स्ट डे था, तो यहाँ पर भी इसने 9327 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पाया, इसके नीचे आके क्लोज हुआ है। अभी वीक खत्म होना बाकी है, तो अभी के इस मद्देनजर यहाँ पर 38.2% का 8980 के पास ये सपोर्ट होगा। ये वीकली चार्ट देख रहे हैं हम, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, तो एज पर वीकली चार्ट 9880 के पास सपोर्ट होगा, और ऊपर 9327 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ हमें मूव दिखा सकता है, और तभी फर्स्ट ये जो 20 EMA है वीकली चार्ट में, ये अभी अराउंड 10136 के पास है, ये फर्स्ट हर्डल का काम कर सकता है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट को अगर देखें आप यहाँ पर ध्यान से, तो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चल रहा है, काफी चॉपी मार्केट है। ये जो लास्ट वीक मंडे और ट्यूसडे का ये जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो ये कैंडल का हाई जो है अभी तक, ये कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो, इसके बीच में ही ये क्लोज हो रहा है लगातार 4 दिन से, तो काफी क्रिंजी मार्केट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल रहा है, और 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है इसको काफी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आज जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पर हमें एक साफ तौर पर कमजोरी दिखाई दी, और ये 20 EMA को भी ये आज हो सकता है ये ब्रेक करे, तो केयरफुली ट्रेड करना होगा आज। चलते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट में, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये अगर कल का हमारा अगर ब्रेकआउट लेवल देखें, तो यही आज के लिए भी हमारा हो सकता है यही ब्रेकआउट लेवल, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर एक हर्डल इसने फेस किया था जब ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हो रहा था, तो फिर से ऊपर जाते वक्त यहाँ पर इसने काफी पेनेट्रेट किया था इस लेवल को, तो ब्रेकआउट लेवल भी आज का सेम होगा, 9347 ही आज का ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये हम बाय कर सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9379, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9408, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव करता है तो ये जो यहाँ पर यहाँ से इसने एक पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट का बना के एक बाउंस बैक दिखाया था, और इस लेवल के पास पूरा दिन ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, यानी 9176 के नीचे अगर चला जाता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा एक क्विकली छोटा फर्स्ट टारगेट होगा 9158, जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9118, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करना बहुत जरूरी है, हो सकता है फिर से एक बार रिकवरी आए, इन लेवल्स के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए इस शॉर्ट पोजिशन बनाए, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो, अदरवाइज ये ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट 9158 होगा और सेकेंड टारगेट 9118 का होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।